आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस प्रकार से जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस फॉर्म को आपको भर के दिखाएंगे, आप कैसे ये फॉर्म भर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का ये फॉर्म है, हम इसी को भरने वाले हैं। कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है माय और अकाउंट टाइप, तो यहाँ पे आपको जो है सेविंग लिख देना है अगर आपका सेविंग है तो। इसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, इस बॉक्स में जो है आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है, तो यहाँ पे हम जो है डाल देते हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल के लिए मैंने नंबर लिख दिया है, इस तरीके से आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए नेम पहले जो आपके पासबुक पे है, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम का स्पेलिंग लिख दिया, ठीक है, ये मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, तो ये जैसे मैंने नाम की स्पेलिंग लिख दी। अब इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैं डाल दूंगा 01 01 ये 2000, ठीक है, ये मैंने जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए जेंडर, तो जेंडर में यहाँ पे आपको मेल और फीमेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉट बना हुआ है, मेल पे डॉट बना हुआ है, क्योंकि ये मैंने फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे डॉट बना हुआ है, सिलेक्टेड है। अगर आप किसी बैंक में जाकर ब्रांच से लेंगे तो ये खाली रहेगा, तो आपको बस इस पे जो है यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। इतना करते ही अब यहाँ पे देखिए ये नेम एज रिक्वायर्ड ऑन कार्ड, आप क्या नाम चाहते हैं कार्ड पे, तो वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे जैसे मैं अपना नाम चाहता हूँ, ये मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको एड्रेस, तो एड्रेस जो भी है आपका ये यहाँ पे आपको भर देना है, इस लाइन में और इस लाइन में। फिर यहाँ पे सिटी, तो यहाँ पे मैं जो है न्यू दिल्ली लिखने वाला हूँ, ये मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड, तो यहाँ पे आपको पिन कोड में जो है जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और इतना करने के बाद नीचे देखिए ये ऑफिस एड्रेस, अगर चाहते हैं कि आपका कार्ड आपके ऑफिस पे आए तो ही इसे भरिए, नहीं तो आप इसे ब्लैंक रहने दीजिए। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर डालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पे टेलीफोन नंबर जो भी आपका होगा वो इसमें एंटर कर देना है। तो एग्जांपल के लिए मैंने जो है कुछ नंबर ऐसे डाल दिया है। फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी होती है। इतना करते ही अब नीचे देखिए ये एड्रेस टाइप में जो है आपको यहाँ पे अगर आपका घर है तो इस वाले बॉक्स को टिक कर दे, नहीं अगर ऑफिस पे मंगवाना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स पे टिक कर दे। इतना करते ही जो है अब आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पे देखिए आपको एक ब्रैकेट दिख रहा होगा बॉक्स, तो यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर, तो इसमें जो है आपको अपनी सिग्नेचर कर देना है, तो जो भी आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पे कर देना है इस बॉक्स में। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये बॉक्स, यहाँ क्या लिखा है, अदर अकाउंट होल्डर, अगर आपका अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है और आपके अकाउंट एक से अधिक बंदे एक्सेस कर सकते हैं, तो जो दूसरा बंदा है, जैसे कि अब आप, जैसे मैं हूँ और मेरी वाइफ है, मेरा जॉइंट अकाउंट है, तो यहाँ पे जो है दोनों बंदे का सिग्नेचर चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे मैंने सिग्नेचर कर दिया, तो फिर उसके बाद उस दूसरे बंदे का भी इसमें सिग्नेचर करवाना होगा अगर जॉइंट अकाउंट है तो, वरना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना करते ही बस आपको यहाँ पे जो है डेट लिख देना है और ये ब्रांच कोड है, अगर आपको पता है तो यहाँ पे इसमें भर दे, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दे। और ये जो नीचे जो बॉक्स दिख रहे हैं इसमें आपको किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी, ये जो है ब्रांच के वही इसे भरेंगे। इतना करते ही आपका जो ये फॉर्म है भरकर तैयार है, अब आप इसे बैंक में जमा कर सकते हैं। और ये जमा करते ही कुछ दिन के अंदर आपके एड्रेस पे जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ये आपके घर तक जो है ये आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।